की समाधि नहीं टूटी। अब तो महाराज आप ही कछु करो, तो सारे देवता परेशान हो गए। परेशान होकर के आज भगवान नारायण के पास में पहुंचे। जैसे ही देवता नारायण के पास में पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु आपका भक्त है, पृथ्वी पर समाधि लगाई है, अगर आप नहीं गए तो हम सबका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका भक्त केवल और केवल प्राण वायु को खींच रहा है। आप जल्दी से जाइए। जो देवताओं ने प्रार्थना की, आज भगवान नारायण ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। महाराज नारायण चले और परीक्षित महाराज चल करके वहीं पहुंचे जहां ध्रुव जी समाधि लगाए हुए थे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं भगवान नारायण, तो पहुंचने के बाद में क्या देखा कि ध्रुव एक पैर के अंगूठे पर खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करे हैं और प्राण वायु खींच रहे हैं। तो नारायण जैसे ही पहुंचे, जवाब दिया, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। जब महाराज आंखें नहीं खोली, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज जो थे वो भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किए थे, हृदय में बसाए हुए थे। तो ध्रुव महाराज नारायण ने आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन महाराज ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। जब आंखें नहीं खोली तो उसी समय भगवान ने क्या किया कि जो मूर्ति अपने हृदय में ध्रुव स्थापित किए थे, उस मूर्ति को अपनी माया के द्वारा भगवान ने खींच लिया। और जैसे ही मूर्ति को खींचा और ध्रुव को जब वो मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी, सोई महाराज ध्रुव पछाड़ खा करके गिर पड़े। जो ध्रुव पछाड़ खा करके गिरे, सोई महाराज भगवान ने दोनों हाथों से उस बेटा को उठा लिया और उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। जैसे ही महाराज अपनी गोद में बैठाला है, तो बैठाने के बाद में आज भगवान नारायण कहने लगे, बेटा ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, हे प्रभु हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई भी इच्छा नहीं है वरदान की, क्योंकि हम केवल और केवल आपकी गोद प्राप्त करना चाहते थे, जो हमें आपकी गोद प्राप्त हो गई, अब हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने जवाब दिया है कि हे ध्रुव तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम इस पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्ष तक? 36,000। भगवान ने वरदान दिया ध्रुव को कि ध्रुव 36,000 वर्षों तक रह करके इस पृथ्वी पर तुम राज्य करोगे। इतना कह करके महाराज भगवान ने आज ऐरावत हाथी को बुलवाया, हजारों घोड़ों को बुलवाया और बुलवा करके परीक्षित महाराज ध्रुव जी की विदा की है। जब ध्रुव की विदा की तो आज ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठ गए और बैठ करके महाराज अवध के लिए चलने लगे। जैसे ही ध्रुव अवध के लिए चले, तो अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव जो है वो भगवान की गोद प्राप्त करके आ रहे हैं। तो आज अवध के जितने लोग थे वो सारे ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए आने लगे। जब दर्शन करने के लिए आने लगे तो महाराज बड़े बुजुर्ग आए, रास्ते में खड़े हो गए। जब ध्रुव ने देखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, तो ध्रुव ऐरावत हाथी से नीचे उतर के आए और नीचे उतर के जैसे ही आए तैसे महाराज सबके चरण स्पर्श करे, सभी बुजुर्गों के चरण स्पर्श करे और महाराज सबसे आशीर्वाद लिया। और आजकल की अगर कई बात कही जाए, आजकल के संत बच्चों की बात करी जाए, तो महाराज आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि कौन बाप है कौन बेटा है। बुजुर्गों ध्यान देना, आज के कलयुग में पता ही नहीं चलता कि कौन बाप है कौन बेटा है। आजकल महाराज बाप बेटा साथ में बैठ के शराब पीते हैं, बाप बेटा साथ में बैठ के तम्बाकू खाते हैं, बाप बेटा साथ में बैठ करके जुआ खेलते, मैंने अपनी आंखों से देखा। और आजकल परीक्षित महाराज कबूं देखियो कि जो आज की नई जनरेशन है वह पांच छुए, तो महाराज आजकल पांच छुए की तो इतनी शॉर्टकट व्यवस्था हो गई कि महाराज पूरे नए झुकी केवल परियां छोलियां छाती तक लगाई ली, झुकी नहीं परियां छोलियां छाती तक लगाई ली, बस ये हो गया आशीर्वाद। अब बताओ ये कहां के संस्कार हुए। लेकिन वो ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की, ऐरावत हाथी से नीचे उतर के आए और सारे बुजुर्गों का सम्मान किया, सबके चरण स्पर्श किए। अब आप विचार करो, जिस भक्त को भगवान की गोद मिल गई हो,
उस भक्त को कितना अभिमान हो जाएगा। तो ध्रुव को तो ऐरावत हाथी से नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ध्रुव महाराज अपने मन में ये सोच लेते कि हम तो भगवान की गोद प्राप्त करके आए, हम काहे को हाथी से नीचे उतरें। अगर मन में सोच लेते, इसीलिए कहने का अभिप्राय कि ये कथाएं जो होती हैं, ये कथाएं हमको यही सिखाती हैं कि जीवन में संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। और महाराज आजकल के संस्कार तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे होते हैं आजकल के संस्कार, क्योंकि महाराज शॉर्टकट जमाना चल रहा है तो सब कुछ शॉर्टकट ही में होएगा हुए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, पैर क्यों छुए जाते हैं, पैर क्यों छुए जाते हैं? पैर परीक्षित महाराज इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि पैर छूने से बल बुद्धि विद्या बढ़ती है। पैर छूने से बल बुद्धि और विद्या बढ़ती है। तो ध्यान रखना, कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए, हमेशा पैर के अंगूठे छूने चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे पहले, ये कहते थे कि हमेशा पैर के अंगूठे छूने चाहिए, क्योंकि जो भी पैर का अंगूठा छूता है, चाहे माताएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा छुआ तो पैर के अंगूठे छूना, और जो पैर के अंगूठा छूता है भाई उसी को आशीर्वाद मिलता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। मुनिवृंद भगवान की, महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जी ने सबसे आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी सबसे पहले कहाँ गए? अपनी मौसी के पास, सुरुचि के पास। सबसे पहले ध्रुव जी अपनी मौसी सुरुचि के पास